यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन। तो एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन करने के लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 के डिस्क से मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर वो ऑलरेडी आ रखे हैं। तो I36 नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम ADMC नाम का एक टूल होता है वो हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर है Dell.com। Dell.com में हम एक यूजर बना देते हैं जिसको हम माइग्रेट करेंगे अपना Google.com से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं यूजर में अभी कोई भी हमारा अपना बनाया हुआ खुद का प्रिपेयर्ड कोई भी यूजर अकाउंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा हमारा Google.com सर्वर है उसमें जाते हैं Google.com सर्वर पे। तो यहाँ पर यूजर्स में जाके एक यूजर बना देते हैं। ठीक है, लेट्स से एक यहाँ पर प्रिपेयर्ड यूजर अकाउंट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है User01। तो हम User01 को माइग्रेट करेंगे Dell.com के अंदर। ठीक है, थ्रू एन एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल। इससे एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल को यूज करने के लिए ADMC मैनेजमेंट पे आपको जाना पड़ेगा, जो हमने टूल इंस्टॉल कर रखा है थ्रू एन विंडोज सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 डिस्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं स्टार्ट एडमिन टूल एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल। एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन टूल से हम राइट क्लिक करते हैं यूजर अकाउंट माइग्रेशन विजर्ड, हम यूजर अकाउंट माइग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमें माइग्रेट अभी करना है। यस, माइग्रेट नाउ, नेक्स्ट। अब मेरे पास यहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम में क्या खुला हुआ है, Dell.com। तो मुझे कहाँ से माइग्रेट करना है, Google.com से। तो मेरा सोर्स डोमेन कौन सा होगा, सोर्स डोमेन होगा Google.com। ठीक है, तो हम इसे ओपन करते हैं, वेट करते हैं इसको ओपन होने की। तो यहाँ पर अब सोर्स डोमेन हम क्या लिखेंगे, Google.com और टारगेट डोमेन Dell.com। ठीक है, राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे यूजर अकाउंट सिलेक्शन विजर्ड आ जाएगा। नेट करेंगे किस लोकेशन से हम उठाएंगे, Google.com। एडवांस में जाते हैं, फाइंड नाउ। यहाँ पर मैंने यूजर बनाया था एक User01 जो Google.com में बनाया था, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके करते हैं एंड अगेन ओके। अगर ये यूजर अकाउंट यूजर सिलेक्शन विजर्ड अगर नहीं आता है ऐड करने का ऑप्शन, तो अगर यहाँ पर एरर कोड 5 आता है एक्सेस इज डिनाइड, तो आपको क्या करना है कि दोनों जो सर्वर है आपके फॉरेन रूट डोमेन, दोनों में आपको दोनों में टाइम सिंक्रोनाइजेशन करना है, टाइम को इक्वल बाइंड करना है। ठीक है, इक्वल रखना है टाइम, और टाइम आपका 5 मिनट आगे पीछे तक चल सकता है, लेकिन 5 मिनट टू मैक्सिमम 15 मिनट तक चल सकता है, लेकिन वो विद इन द टाइम सिंक्रोनाइजेशन, यानी डे इक्वल होना चाहिए, आपका GMT इक्वल होना चाहिए, अगर आप जिस भी कंट्री में हो उसका टाइम जोन इक्वल होना चाहिए, सब चीज इक्वल रखनी है। और उसके बाद टाइम जोन इक्वल करने के बाद आपको एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, तो देन आफ्टर आप यहाँ पे माइग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे User01 सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद टारगेट OU दे रहा हूँ, ब्राउज करके यहाँ पे टारगेट OU देता हूँ। डेल में मैंने IT नाम का एक OU बनाया है, इसमें मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके करते हैं, जिसकी LDAP लोकेशन आ जाएगी, लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। Dell.com/OU=IT, Dell, DC=Dell, DC=COM। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट। अब मुझे पासवर्ड भी माइग्रेट करने हैं, यस, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड माइग्रेट करने हैं। और पासवर्ड स्टोरेज की लोकेशन कौन सी है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, Text 36, ADMC, लॉग, Password.txt, यहाँ पर हमारा पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, राइट, नेक्स्ट करते हैं। हमें अकाउंट ट्रांजिशन ऑप्शन में अकाउंट की SID सिक्योरिटी आइडेंटिटी हमें माइग्रेट करनी है, यस, माइग्रेट करनी है हमें सिक्योरिटी आइडेंटिटी, तो हम एनेबल करते हैं टारगेट अकाउंट और नेक्स्ट कर देते हैं। यूजर ऑप्शन यहाँ पे फिक्स यही ऑप्शन रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट। देन कोई भी एट्रीब्यूट आप यूजर का माइग्रेट करना चाहते हो, यस और नो, अगर नहीं करना चाहते तो आप सीधा नेक्स्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट जो भी इसके एट्रीब्यूट होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, स्ट्रीट एड्रेस, इन सब आ जाएंगे।
इग्नोर कोई भी अगर अकाउंट यहाँ पर यूजर 01 नाम से Dell.com में पहले से बना होगा तो वो कंफ्लिक्ट ना करे Google.com के यूजर 01 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे इग्नोर कंफ्लिक्टिंग अकाउंट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, देन हम फिनिश करते हैं। यहाँ पे हमारा माइग्रेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि कितने यूजर यहाँ पे चेक किया उसने, कितने एरर्स आए, कितने कॉपीड हुए। तो यहाँ पे दिखा दिया है, उसने कंप्लीट कर दिया, स्टेटस कंप्लीटेड आ गया माइग्रेशन प्रोसेस में। एक यूजर उसने चेक किया जो हमने माइग्रेट करना था और एक कॉपी हो चुका है। नाउ क्लोज करते हैं। नाउ अब मुझे यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि मेरा यूजर माइग्रेट हो चुका है, तो उसके लिए हम एक रिपोर्टिंग विजर्ड पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं ATMC पे, रिपोर्टिंग विजर्ड। नाउ रिपोर्टिंग विजर्ड पे नेक्स्ट करते हैं। मेरा सोर्स डोमेन क्या था, Google.com, टारगेट क्या था, Dell.com। नेक्स्ट करते हैं, रिपोर्ट हमारी कहाँ स्टोर होंगी, पी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, ADMP रिपोर्ट। नेक्स्ट करते हैं, मेरे को किस चीज की रिपोर्ट बनानी है, माइग्रेटेड यूजर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। यहाँ पे मेरे रिपोर्ट सेक्शन पे माइग्रेटेड यूजर एंड ग्रुप अकाउंट की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा सोर्स डोमेन हमारा कौन सा है, Google.com, राइट। टारगेट डोमेन कौन सा था, Dell.com। कौन सा हमने अकाउंट ट्रांसफर किया, यूजर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर किया, किस लोकेशन, कौन से सोर्स पास पे और कौन से टारगेट पास पे ट्रांसफर किया, ये आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। और ये रिपोर्ट आपको, देखो अभी मैं यूजर की रिपोर्ट आपको प्रोग्राम फाइल में मिल जाएगी ATMC के अंदर। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे IT चेक करते हैं, IT में रिफ्रेश करते हैं, देखो यूजर 01 आ गया, राइट। तो ये हमारा माइग्रेशन का नहीं अवेलेबल, ठीक है। और अगर हम देखना चाहते हैं, अगर किसी को मेल करना चाहते हैं अपने सीनियर्स को कि मैंने ये माइग्रेट किया है, ये टोटल मेरा माइग्रेट हो चुका है यूजर अकाउंट, तो प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, ADMC टूल में जाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये हमारी माइग्रेशन अकाउंट की रिपोर्ट होगी जो HTML डॉक्यूमेंट पे स्टोर हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास ये रिपोर्ट आएगी, ठीक है। तो हम करते हैं क्लोज, और लॉग चेक करने हैं तो लॉग में यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड नाम की लॉग आ जाएगी, ये हमारा यूजर 01 का पासवर्ड है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ATMC का माइग्रेशन था, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइग्रेट कर सकते हैं एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट।